बिरसा मुंडा के उल गुलान महाविद्रोह ने उन्हें भगवान बना दिया। महान उपन्यासकार महाश्वेता देवी अपने उपन्यास जंगल के दावेदार में भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कुछ इस तरह से लिखती हैं। सुगना मुंडा का 25 वर्षीय बेटा बिरसा मुंडा सवेरे 8 बजे खून की उल्टी कर अचेत हो गया। एक विचाराधीन कैदी जो ब्रिटिश सरकार के हाथों 30 फरवरी को पकड़ा गया था, बावजूद इसके उस महीने के आखिरी सप्ताह तक बिरसा मुंडा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। हालांकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में बिरसा मुंडा पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा मुंडा जानता था कि उसे सजा नहीं मिलेगी। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा नहीं मरा था, बल्कि आदिवासी मुंडाओं का भगवान मर चुका था। आदिवासियों का संघर्ष आज से नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी से चल रहा है। आदिवासियों को शुरू से ही जल, जंगल और जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधन धनों से बेदखल किया जाता रहा है। हालांकि इसके खिलाफ आदिवासी बड़ी मुखरता से अपनी आवाज उठाते रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ठीक 38 साल बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान महाविद्रोह का आगाज हुआ, जो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू जमींदारी प्रथा तथा राजस्व व्यवस्था के खिलाफ जंगल और जमीन के हक के लिए बिरसा मुंडा ने 1895 में महाविद्रोह किया। इतना ही नहीं, बिरसा मुंडा ने उन सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया जो कर्ज के बदले उनकी जमीनें हड़प लिया करते थे। आदिवासी लोग इन महाजनों को दिकू कहते थे। भारतीय इतिहास में उल गुलान केवल महाविद्रोह नहीं था, बल्कि आदिवासियों की अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति के अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई थी। आदिवासी मुद्दों पर अपने काम से चर्चित साहित्यकार रमणिका गुप्ता की किताब आदिवासी अस्मिता का संकट के मुताबिक आदिवासी क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीनों पर किसी राजा, नवाब या फिर अंग्रेजों का नहीं बल्कि आदिवासी समाज का कब्जा था। ये सच है कि राजा अथवा नवाब उन्हें लूटते जरूर थे, लेकिन उनकी संस्कृति और व्यवस्था में कभी दखल नहीं देते थे। शुरू में अंग्रेजों ने भी बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन जब देश में ब्रिटिश सरकार ने रेलों का विस्तार करना शुरू किया तो मानभूम, संथाल परगना, सिंहभूम आदि से जुड़े जंगली इलाकों को काटना शुरू कर दिया। ऐसे में बड़े पैमाने पर आदिवासी बेघर होने लगे। फिर आदिवासी इकट्ठा हुए और मंत्रणा शुरू हुई। जब अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा लागू कर आदिवासियों के जमीन को जमींदारों और दलालों में बांटकर नई राजस्व व्यवस्था लागू की, तो आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया। सुगना मुंडा ने अपने बेटे बिरसा मुंडा का एडमिशन मिशनरी स्कूल में करवाया था, जहां उन्हें ईसाइयत की शिक्षा दी जा रही थी, इसलिए बिरसा ने कुछ ही दिनों में स्कूल से नाता तोड़ लिया। 1890 के आसपास बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की तरफ मुड़ चुके थे। मुंडा आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते थे। बिरसा उन्हें सिखाते थे कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जाता है। ऐसे में बिरसा अब आदिवासी समाज के लिए धरती पिता बन चुके थे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 के तहत जब आदिवासियों की जमीनें छीन ली गईं, तब बिरसा मुंडा ने अपने समाज की बेबसी के खिलाफ हथियार उठा लिए और फिर शुरू हो गया उल गुलान महाविद्रोह। बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए छापामार लड़ाई का सहारा लिया। अंग्रेजों ने उन पर 500 रुपए का इनाम रखा था। उन दिनों ये बहुत बड़ी धनराशि थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच आखिरी और निर्णायक लड़ाई सन 1900 में रांची के पास डूमरी पहाड़ी पर हुई। इस लड़ाई में बिरसा मुंडा और उनके साथी तीर, कमान और भालों से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास बंदूकें और तोपें थीं। लिहाजा 400 मुंडा मारे गए, लेकिन बिरसा हाथ नहीं आए। हालांकि बाद में बिरसा जाति के लोगों ने ही उन्हें पकड़वा दिया था। महाश्वेता देवी लिखती हैं, उसे जंगल की धरती, महुआ का तेल, काला नमक, कंदमूल और जंगल की शहद तथा
मीठा खाने के लिए हिरण का मांस मिल जाता तो शायद बिरसा मुंडा कभी भगवान नहीं बन पाता। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। ये सच है कि कोई भी इंसान त्याग और बलिदान के दम पर ही भगवान बनता है, यही बात बिरसा मुंडा में थी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं।